साहब से और एसडीपीओ साहब से गुजारिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एडब्ल्यू पीएचई सुधीर साहब को अब मैं गुजारिश करूंगा। मियां फारूक बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एसडीपीओ साहब से बचाना है और प्रधानमंत्री का यही नारा है, हर घर जल हर घर नल होगा और आप खुश रहेंगे, आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, धन्यवाद। शर्मा वुमेन वेलफेयर ऑफिसर अंडर महिला शक्ति केंद्र, आज हम लोग मैंडल में आए थे और यहाँ पे हमने जो था जन जीवन वालों के साथ जो था यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जो कि महिला शक्ति केंद्र जो थी उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे भाग लिया और भाग लेने के साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत सारी जो थी जनसंख्या में महिलाएं थी उनको जो थी डिफरेंट प्रकार की हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई है उनके बारे में अवेयरनेस दी और साथ ही साथ उनके साथ जो थे और अवेयरनेस के साथ साथ उनको जो था अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहा। धन्यवाद। इस अवेयरनेस प्रोग्राम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस भी गांव में जो महिलाओं के रिलेटेड प्रोग्राम हो रहे या फिर जन जीवन का जो भी प्रोग्राम ले लो उसमें जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि जितनी भी प्रकार की हमारी जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका जो थी वो लाभ ले सकें। वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अंडर महिला शक्ति केंद्र, आज के अवेयरनेस प्रोग्राम के करने का एक ही मकसद था कि जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की औरतें हैं उनको डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ, न्यूट्रिशन जैसी फैसिलिटीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस देना। यहाँ बहुत सी महिलाएं आई थी, हमारा मेन मोटो यही था कि उन औरतों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाए ताकि वो इसका लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बारे में कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है अवेयरनेस प्रोग्राम ये जल जीवन मिशन का, तो इसमें लोगों को अवेयरनेस होगी और ये पानी की जितनी स्कीमें आ रही हैं इनके मतलब लोगों को बताया गया और इसी तरह से और भी प्रोग्राम रखने चाहिए इनको। और ख़ासकर हमारे यहाँ मेंढर में सबसे बड़ा मसला पानी का है और ये पानी का मसला जो है ये इसी जरिए से हल होगा कि ऐसे प्रोग्राम रखे जाएंगे। और यहाँ हमारी पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम जो रखा गया इनको अब इसको अमली जमान भी पहनाना है और अच्छी तरह से इसमें काम करना है ताकि कोई भी हमारे इलाके में हमारी मेंढर में पानी के बगैर कोई लोग ना रहें और इनको भी मेहनत करनी है और साथ साथ हमारे लोगों को भी इसमें इनका साथ देना है ताकि वो अच्छी तरह से पानी इस्तेमाल करें। जिस जहाँ जहाँ पानी लग रहे हैं, जहाँ हमारे नलके लगे हुए हैं उनकी हिफाजत भी करें और पानी की सफाई जो है उसका भी ध्यान रखें। ये हमारे लोगों का भी काम है और हमारे इस डिपार्टमेंट का भी। दूसरे सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ हमारी मेंढर में पानी का कि यहाँ जो लोग हमारे ये है ना